चलिए आइए हम लोग फिजिक्स के क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 के फिजिक्स वाले क्लास का। जैसे कि हम लोग पिछले दिन पढ़ रहे थे कि दो नियम होते हैं विद्युत चुंबकीय, फैराडे का नियम, तो वही टॉपिक बनाया जाए। टॉपिक बनाएंगे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। देखिए ये वहां पे हम लोग प्रयोग पढ़े थे पिछले दिन कि उसका प्रयोग क्या क्या है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसका नियम क्या है, तो दोनों में अंतर है। तो टॉपिक बनाएंगे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, उसके नीचे आरो देंगे लिखेंगे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के निम्नलिखित दो नियम है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के दो नियम है, उसके नीचे रो देंगे दो नियम है, उसके नीचे लिखेंगे पहले नियम के अनुसार, पहले नियम के अनुसार कॉमा, पहले नियम के अनुसार कॉमा, यदि किसी बंद विद्युतीय परिपथ से, यदि किसी बंद विद्युतीय परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में, संबद्ध फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में, परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और वह तब तक वर्तमान रहता है, और वह तब तक वर्तमान रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता रहता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता रहता है। अब उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार किसी कुंडली या बंद परिपथ में, किसी कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। चलिए तो अभी तक के हम लोग पढ़ रहे थे कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम क्या है, अब फैराडे का नियम क्या बतलाता है इसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला नियम लिखे हैं, यदि किसी बंद विद्युत परिपथ से फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन किया जाता है वह तब तक वर्तमान रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है। यानी देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से, जैसा कि पहला नियम ये बता रहा है, क्योंकि फैराडे ने प्रयोग किया था वो दो प्रयोग, कौन कौन सा, तो जब एक चुंबक को स्थिर रख के और हम लोग गैल्वेनोमीटर को चलाए, या फिर गैल्वेनोमीटर को स्थिर रख के चुंबक को चलाए, तो दोनों ही स्थिति में कुछ क्षण के लिए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रहा था कुंडली में, जिसको हम लोग प्रेरित धारा बोल रहे थे। और दूसरा हम लोग प्रयोग में ये सीखे थे प्यारे बच्चों कि दो कुंडली था, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में हम लोग बैटरी जोड़े हुए थे
और दूसरा वाला में बैटरी नहीं जोड़े थे, लेकिन फिर भी दूसरा वाले कुंडली में जिसमें बैटरी नहीं था उसमें भी करंट पास होने लग रहा था। कब? जब दूसरे वाले कुंडली में स्विच ऑन कर रहे थे जिसमें बैटरी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रयोग, लेकिन पहला प्रयोग ये बोल रहा है कि आखिर उसमें जो करंट आता है वो कैसे आता है। तो तब तक आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि उसको तेजी से लाते हैं, तो लाते समय करंट आता है, और लाके अगर छोड़ दिए, रुक गया, तो करंट खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा सीखे थे। तो ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? तो पहला नियम ये बता रहा है कि ये तब तक होते रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स हम लोग सीखे थे, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स होता है उससे बी और उसका एरिया को मल्टीप्लाई करने से। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो हम लोग सीखे थे कि बी और एरिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी और क्षेत्रफल का मतलब ए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद चुंबकीय फ्लक्स आता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का मतलब चेंज आया, जैसे मान लिया कि एक गैल्वेनोमीटर को स्थिर रख के चुंबक को हम उसके सापेक्ष तेजी से दौड़ा रहे थे, तो तेजी से दौड़ाते वक्त क्या हमें पता चला? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तब तक उस गैल्वेनोमीटर में करंट गया, और जब तक किसी टाइम अगर उसमें चुंबकीय फ्लक्स रुक गया, यानी कि जैसे मान लिया कि यहाँ गैल्वेनोमीटर है, यहाँ चुंबक है, इसको अगर ले जाए तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, वहां पे करंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं पहला नियम को। लेकिन दूसरा नियम क्या बोलता है? तो दूसरा नियम ये बोल रहा है कि किसी कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित वाहक विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का सीधा समानुपाती होता है। अब इसमें बोल रहा है कि अगर किसी कुंडली में अगर करंट आ रहा होगा, इसका मतलब ये भी है कि उसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो रहा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ओम के नियम से कि जहां पे आई होता है वहां पे भी होता है, आर भी होता है, तो इसीलिए ना भी बराबर आई आर पढ़ते हैं फार्मूला। तो दूसरा ये बोला कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल, ई का मतलब कर्सिव राइटिंग का ई है, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, बी वा ब। तो विद्युत वाहक बल जो होता है समानुपाती होता है डी फाई बटा डी टी। पहले बच्चों फाई को ही हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और ये चुंबकीय फ्लक्स की दर हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का दर का मतलब कि ऊपर फ्लक्स और नीचे टाइम, समय, दर। तो इसको हम बोलेंगे, दूसरा नियम क्या बताया कि किसी बंद परिपथ में या कुंडली में विद्युत वाहक बल का जो वैल्यू होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का सीधा समानुपाती होता है। ये देखिए, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, और डी ऐसा लगाया गया है, डी का मतलब होता है छोटा सा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का थोड़ी सी मात्रा। चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ अगर परिवर्तन लाया जाए तो विद्युत वाहक बल का सीधा समानुपाती होता है, और प्यारे बच्चों यही कहलाता है फैराडे के दूसरा नियम। ठीक है, तो ये अभी हम लोग फैराडे के पहले नियम और दूसरे नियम को पढ़ रहे थे। चलिए आइए आगे हम लोग एक और चीज अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े तो पता चलेगा कि जब समानुपाती हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं एन डी फाई बटा डी टी। प्यारे बच्चों हम लोगों को यहाँ से अगर समानुपाती हटता है ना तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो यहाँ पे आया स्थिरांक एन, और एन का मतलब हुआ कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। अच्छा, ये कब हुआ? जब किसी गैल्वेनोमीटर स्थिर रहेगा और चुंबक को उसके तरफ ले जाएंगे, लेकिन अगर उसके विपरीत दिशा में होगा तो विपरीत के लिए, विपरीत विक्षेप के लिए, विपरीत विक्षेप के लिए, जैसा कि हम लोग प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे प्रयोग में, क्या पढ़े थे कि अगर दोनों ही केस में करंट आता है,
अगर हम लाते हैं चुंबक को तब पर भी गैल्वेनोमीटर में करंट आता है, अगर हम लोग ले जाते हैं तो इसको उल्टा यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो लगा हुआ वो सुई होता है, कांटा होता है, उसका उल्टा बिछेद देता है, मतलब कि विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न करती है। अगर विपरीत विक्षेप होगा तब E का वैल्यू कितना होगा, तो यहां माइनस लगा देंगे, माइनस एन डी फाई बटा डीटी। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना आया, तो माइनस एन डी फाई बटा डीटी। तो दोनों ही फार्मूला, ये दोनों फार्मूला कहां से प्रूव होता है, तो फैराडे के दूसरा नियम के साथ। दूसरा नियम क्या बोलता है कि चुंबकीय फ्लक्स के दर में परिवर्तन जो होता है वो विद्युत वाहक बल के सीधा समानुपाती होता है, और यहाँ पे जब हटता है तो बराबर एन डी फाई बाई डीटी, और ये विपरीत विक्षेप होता है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस एन डी फाई बटा डीटी। तो इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला ला सकते हैं फैराडे के नियम के तहत। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पूछता है लेंज का नियम। ये सवाल में पूछता है कि लेंज का नियम क्या है, लेंज के नियम को लिखिए। तो अब टॉपिक बनाएं लेंज का नियम, लेंज का नियम को वीवीआई किया जाए। इसमें फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है, चलिए अब लेंज के नियम जो है वो क्या बतलाता है, जरा इन बातों को समझिए। ये जो हम लोग लिखे ना अभी कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह खुद यानी कि स्वयं धारा उत्पन्न करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरा इसको हम लोग फिगर से समझेंगे लेंज के नियम क्या बतलाता है। अगर मान लिया कि एक कुंडली ले लिया, एक कुंडली है जैसे कि ऐसे, ठीक है, एक कुंडली लिया है, अब इसमें एक गैल्वेनोमीटर को ऐड कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर किस लिए, ताकि वो धारा का विक्षेप देगा, और एक तरफ यहां पे एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और फिर से एक नीचे और फिगर बनाते हैं, वही वाला कुंडली है, मतलब कि ऐसे है, वही कुंडली है, यहां पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और यहां पे चुंबक है, हाई पावरफुल चुंबक है, ठीक है। अब दोनों ही सिचुएशन में आपको समझना है कि ये क्या बोलता है। सबसे पहले होता क्या है, जब इस गैल्वेनोमीटर के कुंडली में, ये क्या है तो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये कुंडली है, और इस कुंडली में देख पा रहे होंगे कि जब अगर हम लोग इस कुंडली को स्थिर करके जब इस चुंबक को तेजी से कुंडली के तरफ ला रहे हैं, तो कुंडली के तरफ ला रहे हैं का मतलब एरो दिखा दिया कि इस चुंबक को कुंडली के तरफ ला रहे हैं, तो जैसे ही कुंडली के तरफ ला रहे हैं तो इसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है वो कैसे हो रही है, तो ये दिखा रहा है विक्षेप,
यानी अगर विक्षेप नहीं होता, मतलब अगर गैल्वेनोमीटर सीधा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें करंट पास नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसमें विक्षेप हो गया तो इसमें पता चल रहा है कि करंट पास हो रहा है और सीधी दिशा में, मतलब कि ऐसे देख पा रहे होंगे, ऐसे करंट पास आउट हो रहा है, ऐसे पास आउट हो रहा है। लेकिन जब इसी चुंबक को दूर ले जाया जा रहा है इस गैल्वेनोमीटर से या इस कुंडली से दूर ले जाया जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में भी धारा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कैसे, उल्टी दिशा में। देखिए यहां पे उल्टी दिशा में हो रहा है, और जब ये इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा था, ये इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है। तो यही बात है, लेंज का नियम बतलाता है कि लेंज के नियम में क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्था में जो प्रेरित धारा का मान आता है खुद विरोध करने लगता है। हालांकि दोनों ही सिचुएशन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दोनों कैसे विरोध कर रहा है, देखिए जब हम उसको ला रहे हैं तो उसके उसका डायरेक्शन सीधा होता है, जब उसको ले जा रहे हैं चुंबक को तो उल्टी डायरेक्शन। यानी कि विरोध करने का मतलब क्या, विरोध का मतलब होता है कि एक जो बात सही बोल रहा है आप उसको गलत ठहराइए या फिर उल्टी बातें कीजिए, विरोध का मतलब यही हुआ। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि लेंज में के नियम में प्रेरित धारा का विरोध किया जाता है, हालांकि उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। देखिए तो लेंज का नियम क्या होता है कि जब किसी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के कारण अगर किसी कुंडली में या फिर किसी बंद परिपथ की अवस्था में जब हम लोग प्रेरित धारा उत्पन्न करती है तो वो खुद विरोध भी करती है, हालांकि जबकि वो खुद स्वयं भी एक प्रेरित धारा को बढ़ावा दे रहा है। देख लीजिए जैसा कि हम समझाएं, इसको इधर ला रहे हैं, प्रेरित धारा के वजह से ही करंट आया, जब इसको ले गए करंट आया हालांकि उल्टी दिशा में आया, तो इसी को बोलते हैं कि एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, प्रतिरोध हो रहा है, सॉरी विरोध का मतलब होता है उल्टी बातें की जा रही है, उल्टा धारा उत्पन्न हो जा रहा है। तो ये लेंज के नियम में दो फिगर अवश्य बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे लेंज के नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को बतलाता है। लेंज के नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को बतलाता है, और ये इंपोर्टेंट है जो भी लिखे ना सेकेंड एरो में फिगर के नीचे कि लेंज के नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को बतलाता है, ये वीवीआई पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका क्वेश्चन है कि लेंज के नियम से किस सिद्धांत का पता चलता है, तो आप याद रखिएगा ऊर्जा के सिद्धांत का, यानी कि लेंज के नियम से एक एनर्जी का वैल्यू प्राप्त होता है, एक ऊर्जा का वैल्यू प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे बिना किसी बैटरी के सहायता से हम लोग करंट प्राप्त कर रहे हैं, तो करंट भी क्या है, एक विद्युतीय ऊर्जा है। इसीलिए याद रखिएगा कि लेंज के नियम में किस सिद्धांत को बतलाया गया है या लेंज के नियम से किसका पता चलता है, हमेशा याद रखिएगा ऊर्जा का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है और आता भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो लेंज के नियम में किस सिद्धांत को बतलाया गया है, तो ऊर्जा के सिद्धांत को, ऊर्जा को बतलाया गया है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक देते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा का संरक्षण, टॉपिक देंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा का संरक्षण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा का संरक्षण, चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा का संरक्षण कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एरो देंगे, फर्स्ट एरो, टॉपिक क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा का संरक्षण। जी हाँ, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो समझते हैं कि क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वैसा बंद परिपथ या कुंडली होता है जिसमें बिना बैटरी जोड़े भी हम लोग करंट की प्राप्ति कर सकते हैं, वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
में ऊर्जा का संरक्षण, यानी कि उसमें ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो याद रहना चाहिए कि लेंज के नियम से तो हम लोग ऊर्जा का संरक्षण पढ़ते हैं, तो इसका जो संरक्षण करेंगे उस वो किस माध्यम से करेंगे, तो लेंज के माध्यम से करेंगे, लेंज के नियम को अप्लाई करेंगे। तो चलिए फर्स्ट अरु देकर लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा के संरक्षण लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है, लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है। सेकेंड एरो में लिखेंगे किसी बंद विद्युत परिपथ में, किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं रहने पर भी धारा प्रेरित की जा सकती है, लिखेंगे प्रयोगों से यह देखा जाता है कि प्रेरित धारा की दिशा गतिशील चुंबक अथवा प्राथमिक कुंडली का विरोध करती है, अथवा प्राथमिक कुंडली का विरोध करती है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब कुंडली या चुंबक को निकट लाया जाता है तो इस क्रम में यांत्रिक कार्य या ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यांत्रिक कार्य या ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, और हमें बिना सेल या बैटरी वाले कुंडली में, और हमें बिना सेल या बैटरी वाले कुंडली में विद्युत धारा प्राप्त होता है जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है। नेक्स्ट अब देंगे, लिखेंगे अतः लेंज के नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पोषक है, अतः लेंज के नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पोषक है। चलिए अब हम लोग जितना बात पढ़े विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा का संरक्षण, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है, या ऊर्जा प्राप्त होता है, वो किस नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसको लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है। इसमें हम लोग ये भी लिखें कि आखिर लेंज के नियम में ऊर्जा कहां से आया भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लिया कि एक कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली को स्थिर रख के जैसे ही हम एक चुंबक को तेजी से उसके तरफ ला रहे होते हैं,
जब उसको तेजी से ला रहे होते हैं तो चुंबक को कौन सा कार्य करना पड़ता है, तो यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। और आपको पता है यांत्रिक कार्य या फिर बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो जब चुंबक में को यांत्रिक कार्य कराया जाता है तो इस यांत्रिक कार्य के वजह से ही इसमें यानी कि कुंडली में धारा प्राप्त होता है जिसको हम लोग प्रेरित धारा बोलते हैं, और वह धारा विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों आप ये समझिए कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि जिस कुंडली में सेल या बैटरी नहीं होता है वहां पे भी हम लोग करंट प्राप्त कर सकते हैं, ये कैसे होता है। कोई बोलिए कि ये क्यों होता है, आप बोलिएगा कि यहाँ लेंज का नियम अप्लाई होता है, जहां से हमें ये जानकारी मिलता है कि जब कोई कुंडली जिसमें बैटरी नहीं होता है उसके समक्ष कोई चुंबक को गतिशील कराया जाता है, ठीक है, या फिर उसके निकट लाया जाता है या दूर ले जाया जाता है, तो उसको निकट लाने या दूर ले जाने में यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, उसको यांत्रिक ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है, और उसी यांत्रिक ऊर्जा के वजह से इस कुंडली में जो विद्युत धारा प्राप्त होता है जिसको प्रेरित धारा बोलते हैं वो एक ऊर्जा का रूप ले लेता है जिसको हम लोग विद्युतीय ऊर्जा बोलते हैं। प्यारे बच्चों इसीलिए उस कुंडली में क्षणिक क्षणिक धारा प्राप्त होती है जो हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग जनरल लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या करंट आया होगा, तो बिल्कुल आया रहता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। अगर आप इसका प्रयोग करें कि एक कुंडली को रख दीजिए और उसके तरफ तेजी से चुंबक को लाइए तो आपको ये इतना वैल्यू कम देता है कि आपको पता नहीं चलेगा। इसमें बहुत छोटी छोटी इकाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ऐसा कुछ होता है। तो आज हम लोग पढ़े कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा का संरक्षण लेंज के नियम से कैसे अप्लाई किया जाता है, लेंज का नियम क्या है, फैराडे के दोनों नियम क्या है। तो आज के क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।